चलो देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपने ऑर्डर लॉ पढ़ लिया, आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बहुत आसान सी रिएक्शन है, डेरिवेशन आएगी नहीं हमारे बोर्ड में, उसमें नीट और जेई के एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम ड्राइव करके देख रहे हैं क्योंकि वहां से हमारे ग्राफ बनेंगे, है ना। तो आज सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारा एग्जांपल है, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियली ए का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, और ए का कंसंट्रेशन मैंने बोला ए नॉट है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो। किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, यूज हो रहा है ना। और मानो टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन हो गया ए टी, यहां जो भी बने अपने को क्या लेना देना, अपने को तो रिएक्टेंट से मतलब है। अब जीरो ऑर्डर क्या बोलती है, कि जो रिएक्शन का रेट है वो किसके इक्वल होता है, के इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो यही होगा, है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, देखो अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनल कितना हो गया, 80। अच्छा, पावर एन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, क्या आपने ये पढ़ा है, रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्या पढ़ा है, याद है स्टाइकियोमेट्री में पढ़ा था, है ना। तो डी ए टी अपॉन डी टी, अब देखो दोनों रेट है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट मीन्स माइनस डी ए टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की ए टी की पावर एन, एन की वैल्यू क्या है, कौन सा ऑर्डर है, जीरो, तो एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी माइनस डी ए टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के और ए टी की पावर जीरो। अब अगर किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस डी ए टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी ए टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के डी टी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ऑन इंटीग्रेशन अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूं, तो इंटीग्रेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ना, डी ए टी अपॉन डी टी तो हट गया ना, डी टी मल्टीप्लाई में चला गया, तो डी ए टी ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब इधर डी टी यानी टाइम, टाइम कहां था, जीरो से टी, तो इनिशियली कितना था, जीरो, और फाइनल कितना हो गया टी। अच्छा, कंसंट्रेशन इनिशियल कितना था, ए नॉट, और फाइनल कितना है, 80। देखो यहां पर अगर ये माइनस है तो मैं ऐसे लिख दूं, डी ए टी इक्वल्स टू माइनस के डी टी, तो क्या यहां पे ही माइनस लगा दूं। अब डी ए टी, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, हाँ डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा ना, है ना। तो डी ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 80, और इसकी लिमिट लग जाएगी ए नॉट से 80, इंटीग्रेट हो गया, इक्वल्स टू माइनस बाहर, के भी कॉन्स्टेंट बाहर आया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, जीरो से t। अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स अपर लिमिट इज 80 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, दिख रहा है। अब एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, 80 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, बोलो लिख सकता हूं, तो यही क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया, बोलो पता चल रहा है। अभी कुछ थियोरेटिकल चीजें भी बताऊंगा, है ना, कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी यहां पे बताऊंगा, है ना, रुक जाओ 2 मिनट।
अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें वाई एक्सिस पे 80 रखूं और एक्स एक्सिस पर टाइम रखूं, यानी टाइम को एक्स एक्सिस पे रखूं, तो एक्स के साथ हमेशा कौन आता है? स्लोप, और स्लोप कैसा है यहां? नेगेटिव। तो ए नॉट क्या बचा? इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमेशा कौन से एक्सिस पे आता है? वाई एक्सिस पे आता है, याद है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जहां पे मैं यहां लिख दूं 80 और यहां पर टी, तो ये रहा कहीं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है बेटा? ए नॉट, और स्लोप कैसा है? नेगेटिव, यानी नीचे की तरफ आएगा। ये एंगल थीटा, और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, जो इक्वल होगा किसके? माइनस के के। तो अगर यहां से ग्राफ दे दिया तो बता दोगे? एक चीज बताओ, अगर फॉर जीरो ऑर्डर, इससे लिखते हैं दूसरे कलर से, फॉर जीरो ऑर्डर जो रेट है वो किसके किसके इक्वल है? के ए की पावर जीरो। अगर ए यानी कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? वन। अब कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाओ, यानी आपने 80 की जगह 1080 कर दिया, तब भी पावर क्या है? जीरो। तो वैल्यू कितनी आएगी? अगर 2080 होता तब भी वैल्यू कितनी आती? वन। अंदर 80 का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, अगर पावर जीरो तो हमेशा वैल्यू क्या होगी? वन। यानी क्या रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? नहीं। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। चला? तो जीरो ऑर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन आप चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 1000 ग्राम लो, चाहे 10000 ग्राम लो, कितना भी आप कंसंट्रेशन लो, रेट बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे काम कर रहा था मैं वैसे ही काम करूंगा। बोलो, समझ आया? क्या हमें ग्राफ पता चला? एक बार नोट करो ताकि इसके लिए हम लोग कंप्लीट लाइफ और हाफ लाइफ देखें, है ना? करो जरा नोट। चलो देखो, जरा बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ क्या होगी। देखो, सबसे पहले समझो कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है। हाफ लाइफ का मतलब है जब कंसंट्रेशन जो है वो आधा हो जाए, है ना? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? आधा हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, है ना? तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होगी, टी हाफ लिखते हैं या फिर टी 50% लिखते हैं बच्चों, है ना? तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए उसी को क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो अगर 100 ग्राम था सब्सटेंस और 100 ग्राम से करो 50 ग्राम हो गया, आधा हो गया, तो इतना होने में जो टाइम लगा ना उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। बोलो, समझ आया? अब देखो, हमारी नॉर्मल सी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है जिसमें मुझे बोला गया है कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन था वो ए नॉट था, और हाफ लाइफ यानी रिएक्शन क्या हो गई? आधी कंप्लीट हो गई। तो जो ए नॉट है वो कितना हो जाएगा? ए नॉट बाय 2, यानी 80 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नॉट बाय 2, यानी फाइनल कंसंट्रेशन किसकी बराबर हो जाएगा? ए नॉट बाय 2। करके बताऊं? चलो करके बताता हूं। देखो, तो ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल लिया है, मेरी रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है? अगर टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, इसका जीरो है, तो हाफ लाइफ पर आधे टाइम पर जब टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा टी इक्वल्स टू टी हाफ, तो ए नॉट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। या कुछ भी बने, यहां अपने को क्या लेना देना? कोई लेना देना है ही नहीं। अब देखो, समझो,
आपकी इक्वेशन क्या थी, at इक्वल्स टू a नॉट माइनस kt। अब at क्या हो गया है, जो at की वैल्यू है फाइनल कंसेंट्रेशन वो कितनी हो गई है, a नॉट बाय टू, और टाइम जो है आपका वो कितना हो गया है, t हाफ हो गया। देखो है ना, तो अब वैल्यू का अगर यहां प्लेस करूं तो at की जगह क्या ले सकता हूं, a नॉट बाय टू इक्वल्स टू ये क्या है, ए नॉट का ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। क्या ये ए नॉट यहां आ जाएगा, कैसे लिख सकता हूं, ए नॉट बाई टू माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के और टी हाफ। बोलो यहां तक समझ आया। अब क्या कर सकते हैं, देखो इनको माइनस करते, ये तो हो गया आप लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, याद आ गया अभी लिखवाया ना। हाँ अब देखो, अगर ये माइनस हुआ तो क्या होगा, ए नॉट माइनस टू ए नॉट अपॉन टू इक्वल्स टू के और टी हाफ, यही होगा। ए नॉट माइनस टू ए नॉट क्या होगा, माइनस ए नॉट अपॉन टू इक्वल्स टू के और टी हाफ। बोलो यही होगा, हाँ माइनस आएगा एकदम, यहाँ पे माइनस साइन है, वेरी गुड। तो देखो माइनस से माइनस कट गया तो टी हाफ किसके इक्वल आया, ए नॉट अपॉन टू के। बोलो समझ आ रहा है, एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, बोलो हाँ या ना, यानी जितना कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा हाफ लाइफ भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अगर एक सब्सटेंस 10 ग्राम है और हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो अगर सब्सटेंस 20 ग्राम हो गया तो हाफ लाइफ कितनी हो गई, 10 मिनट, पता चल रहा है। सब्सटेंस 30 ग्राम हो गया तो 15 मिनट, 40 ग्राम हो गया तो 20 मिनट। यानी जैसे जैसे सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है, हाफ लाइफ भी क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है, पता चल रही है बात, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना, जबकि रेट रिएक्टेंट या कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रही थी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन हाफ लाइफ कर रही है। अब जब जीरो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जो रेट है ना वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी ही नहीं, अभी देखेंगे उसको, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि सर ऐसा होगा, हाफ लाइफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जहां पे मैं एक जगह टी हाफ बना देता हूं और एक जगह पे हम लोग कंसेंट्रेशन बना देते हैं, है ना। तो एक जगह पे हमने बनाया कंसेंट्रेशन ए नॉट और एक जगह पे मैंने बनाया टी हाफ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, और ये स्लोप है और स्लोप किसके इक्वल होगा, वन अपॉन टू के, दिख रहा है। तो स्लोप किसके इक्वल होगा, वन अपॉन टू के। तो अब देखो यार, जिस तरह से नीट का लेवल बढ़ रहा है अब एग्जाम्स का, तो हो सकता है कि वो आपको हाफ लाइफ का ग्राफ दे दे, है ना, और स्लोप की वैल्यू देके बोले के क्या होगा, तो इंटू टू कर देना, बोलो आसान है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कंप्लीट लाइफ यानी टी 100%, तो 100% अगर रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना, 100% अगर रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट है क्या वो खत्म हो जाएगा, 100% मतलब क्या, रिएक्शन खत्म हो गई ना, रिएक्शन खत्म हो गई तो रिएक्टेंट भी, तो इसका मतलब at की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और टाइम की वैल्यू कितनी है, t 100%, पता चल रहा है। तो फिर से अगर इसी में वैल्यू रखूं, जो मेरी इक्वेशन थी at इक्वल्स टू a नॉट माइनस kt, तो at तो जीरो हो गया, इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के इंटू टी 100, जब ये इधर गया तो क्या हो गया, माइनस
ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी 100% माइनस से माइनस कटा और टी 100% कितना आया बेटा, ए नॉट अपॉन के। बोलो समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, हाफ लाइफ और कंप्लीट लाइफ के बीच में क्या अंतर है? शाबाश। यहां पे नीचे टू आ रहा है, वहां पे नीचे टू नहीं आ रहा। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं टी 100% इक्वल्स टू टू टाइम्स टी 50%, तो क्या ये बात सच है? देखो ध्यान से, अगर मैं टी 50 में टू का मल्टीप्लाई कर दूं तो टू से टू कट जाएगा और क्या आ जाएगा, टी 100%। समझ पा रहे हो? यहां तक बोलो जरा, किसी को डाउट है? पक्का नहीं है? कर लोगे सब? हो तो पूछ लो। देखो एक बार नजर मारो, है कोई डाउट? नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूं, अब मैं यहां से नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। एक जगह मैंने लिखा रिएक्शन का रेट और एक तरफ मैंने लिखा रेट और एक तरफ मैंने लिखा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मुझे बताओ जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। यानी आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाओ, क्या रेट में कोई फर्क पड़ेगा? तो रेट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यानी रेट क्या है? कॉन्स्टेंट है। पता चला? तो कितने ग्राफ देखे? तीन ग्राफ। एक तो मेन ग्राफ पूरी इक्वेशन के लिए, दूसरा हाफ लाइफ का ग्राफ, और तीसरा ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो एग्जामिनर चला गया, वो बोलते का एक काम करो, तुम मुझे एक ग्राफ बना के बताओ रेट और कंसंट्रेशन, और वो बोलते का ये रहा रेट और ये रहा कंसंट्रेशन, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना? तो ग्राफ घुमा के भी दे सकता है, तो ये चीज तो हमें खुद से करनी है, तो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो बस समझाने के लिए था कि अपने को चीजें पता होनी चाहिए। क्विकली इसको नोट करो ताकि एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? करो जरा। चलो देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी और लल्लू से स्टार्ट करेंगे, है ना? हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको मिटा दूं जरा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज 20 मिनट फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड to complete the reaction 75%। ठीक है, अब आराम से देखो और दिमाग लगाओ। चलो एक बार देख लेते हैं जरा। देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कितनी, 75%। अगर 75%, देखो ए नॉट की वैल्यू तो आप क्या रखो, ए नॉट को तो ए नॉट ही रखो, और उसके बाद ए टी फाइनल कंसेंट्रेशन कितना बचा जब रिएक्शन 75% खत्म हो गई है। तो अगर आप ए नॉट को, तो आप एक काम करो और इजी कर लेते हैं, ए नॉट को 100 मान लो, अब रिएक्शन कितनी खत्म हो गई, 75%, तो कितना परसेंट रिएक्टेंट बचा, 25% बचा। अगर इसको 100 माना तो इसको मान लो 25। अब ऐसे मानने से क्या होता है ना, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आप इसको ए नॉट रख के भी कर सकते हो कि ये ए नॉट है, अब ए नॉट का 75% कितना हुआ, खत्म हो गया, तो ए नॉट बाय 4 बचा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो 100 मान लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अगर कंसेंट्रेशन गिवन नहीं है, तो अगर कंसेंट्रेशन दे दिया तो भैया फिर अपनी मनमानी नहीं होगी। क्या जी कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 20 ग्राम,
हम बोले जी हम तो 100 रखेंगे, ऐसे कैसे रख लोगे, समझ रहे हो? अब ए नॉट पता चल गया, एटी पता चल गया, अच्छा आपको टाइम निकालना है कितनी देर में खत्म हो रहा है। क्या आपके पास के दिया है? आपकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। एटी पता है, ए नॉट पता है, टी निकालना है, के पता है नहीं, लेकिन एक चीज और पता है। क्या पता है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के। अब ए नॉट को आपने कितना रखा है? 100 अपॉन टू के। टी हाफ कितना है? 20 मिनट इक्वल्स टू 100 अपॉन टू के। तो के कितना आ गया बेटा? 100 अपॉन टू इन टू 20, 0 0 कट गया, 2 5 10, 5 by 2 is 2.5। बोलो के की वैल्यू आ गई। क्या के की वैल्यू यहां रख सकते हैं? देखो एटी की वैल्यू कितनी है? 25। ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस दिस इज 2.5 टी। अब होगा क्या? 100 इधर आके माइनस होगा, जब 100 इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 75। यही होगा ना? वही किसका? माइनस का। या नीचे लिख लेते हैं, माइनस 75 इक्वल्स टू 2.5 इंटू टी, है ना? ये भी किसका होगा? माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो t इक्वल्स टू 75 अपॉन 2.5, पॉइंट एड आओ, जीरो लगाओ, 25 75 कितना आया? 30 मिनट। बोलो आ गया आंसर। अब एक सिंपल सी चीज थी, अगर देखो 100 ग्राम था और 50 ग्राम होने में ले रहा है आपका 20 मिनट, तो पूरा खत्म होने में कितना लेगा? 40 मिनट। और 75 खत्म होने में कितना लेगा? देखो 20 मिनट में आधा हुआ है, 50 ग्राम कम हुआ है, तो 10 मिनट में कितना ग्राम कम होगा? 25 ग्राम। तो अगर यहां पे 10 मिनट और ले लो तो 50 + 25 = 75 ग्राम। तो यानी 75 ग्राम खत्म होने में कितना टाइम लगा? 20 और 10 30 मिनट लगे। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर हाफ लाइफ दे दी है क्वेश्चन में तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगा लो, है ना? अगर मेरे से बोलता कंप्लीट कितनी देर में खत्म होगा, तो अगेन 25 और ऐड कर दो 10 मिनट में, और ये कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना? हाँ, 40 मिनट पूरा खत्म हो गया, है ना? यानी यहां पे तो आप ऐसे लिखो ना, 25 ग्राम, ठीक है, समझ पा रहे हो? दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा बता दूं? चलो देखो, आधा खत्म होने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो पूरा खत्म होने में 40। अब आधे का आधा खत्म होने में कितनी देर लगाएगा? 10 मिनट। तो आधे का आधा ही तो है, तो कितना लगा? 10 मिनट। तो 10 और 20 30 मिनट। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे 30 मिनट आंसर आ गया, देख के पता चल गया। बोलो है आसान, क्लियर है? अगला क्वेश्चन दूं? दे दूं? चलो अगला क्वेश्चन, इसको तो कर लोगे नोट, करना क्या है, हो गया ये तो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन तो नोट कर लिया था ना? हाँ, देखो क्वेश्चन है मेरा, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट हैविंग हाफ लाइफ 10 मिनट। आपको बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 20 ग्राम रिएक्टेंट है और उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 10 मिनट है। तो हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 15 मिनट, ठीक है,
तो करो जरा मारो ट्राई। तो देखो कैसे करना है, सबको पता है 20 ग्राम था, 20 ग्राम 10 ग्राम होने में लगा रहा है 10 मिनट, तो पूरा खत्म होने में कितनी देर लगाएगा, 0 ग्राम होने में कितनी देर लगाएगा, बची हुई 10 मिनट, यानी 20 मिनट में तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। लेकिन हमने तो क्या बोला कि 15 मिनट में कितना खत्म होगा, तो यार आधा खत्म हो रहा है 10 मिनट में, तो आधे का आधा खत्म होगा कितने में, 5 मिनट में। तो अगर 10 मिनट में 10 ग्राम है तो उसके बाद 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 का आधा यानी कितना, 5 ग्राम। तो आंसर इज 5 ग्राम। देखो 10 और 5 15, 15 मिनट में कितना बचा, 5 ग्राम। अरे समझ पा रहे हो, आसान है, कर लोगे पक्का। देखो सुनो, दोबारा सुन लो, 20 ग्राम था, हाफ लाइफ 10 मिनट दी है, 10 मिनट में आधा हो रहा है, और आपको बोला है कि 15 मिनट में कितना होगा, तो आधे का और आधा हो जाएगा, और आधे का आधा कितना हो गया, 5 हो गया ना, समझ पा रहे हो। चलो आसान है, उस फॉर्मूले से भी करना चाहो कर लो। 80 की वैल्यू कितनी है, 80 तो निकालना है, ए नॉट कितना है 20 माइनस के, के क्या होगा, अभी नहीं पढ़ा, पता पड़ा ना के का फॉर्मूला क्या, ये वाला, तो के क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन, ए नॉट इज 20 ग्राम अपॉन 2 इंटू हाफ लाइफ कितनी है 10 इंटू इंटू क्या है टी, टी कितना है, कितनी देर बोला है 15 मिनट, ठीक रहा है। तो 2 टाइम्स 20 से 20 क्या, तो 80 इक्वल्स टू 20 माइनस 15 कितना आया, 5 ग्राम। लो है आसान, कर लोगे, कोई डाउट किसी के मन में, कोई भी डाउट बोल दो, नहीं है पक्का नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिख देता हूं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स फोर टाइम्स है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम फोर टाइम्स, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, लगाओ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन पर रिएक्शन के रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद है कंसेंट्रेशन की पावर जीरो है ना, जीरो के लिए, तो कंसेंट्रेशन कितना भी टाइम बढ़ाओ क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन रेट, सो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बोलो समझ आया बच्चों, अरे बोलो, आसान था, कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दूं क्या, इस साइड का मिटा दूं, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, देखो ये तो आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए नॉट, ठीक है, या कंसेंट्रेशन लिख दो बस, टी हाफ एंड कंसेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 200 माइनस 200, सिर्फ 200 लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ
रेट कांस्टेंट, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, के। चलो लगाओ जरा दिमाग, एकदम शाबाश। देखो क्या पढ़ा था, स्लोप जो है वो क्या होता था, स्लोप इक्वल्स टू वन अपॉन टू के, और क्या वैल्यू दे रखी है स्लोप की, 200 इक्वल्स टू वन अपॉन टू के, तो के इक्वल्स टू वन अपॉन 200 इंटू टू, तो कितना आया, वन अपॉन 400। शाबाश, बोलो है आसान, आसान है, कर लोगे, किसी को कोई भी डाउट, पक्का नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं एक लास्ट चीज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बोलूं कि ऊपर वाला मिटा दूं, वो वाला क्वेश्चन तो लिख लिया आप लोगों ने, तो ये वाला मिटा दूं, मैंने आपको क्वेश्चन बोला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। तो आपको पता है रेट कांस्टेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जरा बताना क्या था, के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स, और जीरो ऑर्डर के एन की वैल्यू जीरो, तो के इक्वल्स टू मोल 1 माइनस जीरो, लीटर जीरो माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स, तो के इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलो है आसान, बोलो कर पाओगे। तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने काउंट करना, इसको मिला के काउंट करना लास्ट वाले को, 5 कर लिए, इतने काफी है, इनसे बाहर से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं, कल के लेक्चर में करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके क्वेश्चंस, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो कल और परसों, मैक्सिमम परसों, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होगा, है ना, कर लो जरा नोट।